जॉन अब्राहम ने अपनी पहचान बॉलीवुड में अलग ही एक्टर के तौर पर बनाई है। रिसेंटली जहां जॉन की दो फिल्में परमाणु और सत्यमेव जयते हुई हैं हिट, तो उसके बाद जॉन की फिल्म बाटला हाउस का भी पोस्टर सामने आया है। लेकिन अब खबर है कि जॉन अब्राहम के हाथ अनीस बाजमी की फिल्म भी लग गई है। जी हाँ, अनीस बाजमी ने कन्फर्म किया है कि उनकी अपकमिंग फिल्म में जॉन अब्राहम लीड रोल में नजर आएंगे और अगले साल फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी जाएगी। और हमने आपको बताया था कि जॉन के ऑपोजिट इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और इलियाना क्रूज दोनों के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन अब खबरें हैं कि फिल्म के लिए सिर्फ इलियाना डिक्रूज का नाम कंफर्म कर लिया गया है। इनसाइड खबरों की माने तो फिल्म में जॉन अब्राहम के अलावा एक और बड़े एक्टर की एंट्री हो सकती है, क्योंकि फिल्म में दो हीरो होंगे। ऐसे में ये पहली बार होगा जब इलियाना जॉन के साथ एक फिल्म में काम करेंगी और ये एक कॉमेडी फिल्म होगी, जिसके चलते सेकेंड लीड के लिए संजय दत्त, अभिषेक बच्चन और अनिल कपूर के नामों पर भी विचार किया जा रहा है। अनीस की इस फिल्म का नाम पहले साढ़े साती रखा गया था, जिसके बाद वो कर पागलपंती कर दिया गया, लेकिन अब तक फिल्म का नाम फाइनल नहीं किया गया है। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखती रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल। जॉन अब्राहम ने अपनी पहचान बॉलीवुड में अलग ही एक्टर के तौर पर बनाई है। रिसेंटली जहां जॉन की दो फिल्में परमाणु और सत्यमेव जयते हुई है हिट, तो उसके बाद जॉन की फिल्म बाटला हाउस का भी पोस्टर सामने आया है। लेकिन अब खबर है कि जॉन अब्राहम के हाथ अनीस बाजमी की फिल्म भी लग गई है। जी हाँ, अनीस बाजमी ने कन्फर्म किया है कि उनकी अपकमिंग फिल्म में जॉन अब्राहम लीड रोल में नजर आएंगे और अगले साल फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी जाएगी। और हमने आपको बताया था कि जॉन के ऑपोजिट इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और इलियाना डिक्रूज दोनों के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन अब खबरें हैं कि फिल्म के लिए सिर्फ इलियाना डिक्रूज का नाम कंफर्म कर लिया गया है। इनसाइड खबरों की माने तो फिल्म में जॉन अब्राहम के अलावा एक और बड़े एक्टर की एंट्री हो सकती है, क्योंकि फिल्म में दो हीरो होंगे। ऐसे में ये पहली बार होगा जब इलियाना जॉन के साथ एक फिल्म में काम करेंगी और ये एक कॉमेडी फिल्म होगी, जिसके चलते सेकेंड लीड के लिए संजय दत्त, अभिषेक बच्चन और अनिल कपूर के नामों पर भी विचार किया जा रहा है। अनीस की इस फिल्म का नाम पहले साढ़े साती रखा गया था, जिसके बाद वो बदलकर पागलपंती कर दिया गया, लेकिन अब तक फिल्म का नाम फाइनल नहीं किया गया है। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखती रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल।